हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू अर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ और ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो समय बर्बाद ना करते मैं सीधे शुरू करता हूँ। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, ये मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है और इसके अकॉर्डिंग ये एक अच्छे न्यूज़ चैनल का आर्टिकल है। और इसमें लिखा है कि जो परियाराम मेडिकल कॉलेज है, वो जो कि एक प्राइवेट कॉलेज था, उसको अब गवर्नमेंट कॉलेज बना रहे हैं, यानी कि उसका कर्मवर्धन कर रहे हैं। और ये बात कन्नूर की है। चलिए मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ। कन्नूर हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा हैज सेड परियाराम मेडिकल कॉलेज विल बी मेड इंटू अ इंस्टीट्यूशन कम्प्लीटली ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इंटरेक्टिंग विद द रिपोर्टर्स हेयर ऑन मंडे, she also said the government plans is to introduce a bill in this connection in the legislative assembly in January. When an institution under the corporative sector is shifted into the government sector, some procedures have to be followed and this would take some time, she added. तो गाइस, जो परियारा मेडिकल कॉलेज है वो कॉरपोरेट सेक्टर का एक मेडिकल कॉलेज था, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, उसको अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाने जा रही है गवर्नमेंट। और वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर है के शैलजा, उन्होंने ये बात मंडे को अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। तो गाइस, ये सभी बच्चों के लिए, सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज बनने जा रहा है। इट मीन्स गवर्नमेंट की सीट्स जो है वो बढ़ने वाली है। तो कन्नूर की बात है, केरला के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ हो सकती है। और 15% ऑल इंडिया कोटा की भी इससे सीट बढ़ जाएंगी, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आज की। और ऐसी मैं अपडेट्स आपको देता रहूँगा। और इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई अपडेट आती है तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको किसी प्रकार के डाउट्स या क्वेश्चन नीट से रिलेटेड और जेई से रिलेटेड हैं तो नीचे कॉमेंट करके वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। शिवा लर्निंग की टीम, सारे टीचर्स उसका रिप्लाई करके आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।